अब हमारा समायोजन नंबर थर्ड, रुपया 2,000 की अतिरिक्त दुबत ऋण अपलिखित करो और 5% दुबत अनामत का प्रावधान कीजिए। ठीक है, तो दुबत ऋण और दुबत ऋण अनामत, इसके लिए हम क्या करना है, इसके लिए हमें देनदार में से इसको माइनस करना होगा, लेकिन जाना होगा पक्की तलपट में, पक्की तलपट में संपत्ति लेना में देनदार, जहाँ पर हमें 48,000 लिख करके बिक्री लिखना बाकी, बिक्री प्लस की थी तो हुआ था 58,000, उसमें क्या करना है, दुबत ऋण कितना बोला 2,000, क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 58,000 माइनस 2,000 56,000। ठीक है, अब उसमें से करना आपको दुबत ऋण अनामत माइनस करना है, कितना प्रतिशत बोला गया 5%, तो 5% आप किसका निकालेंगे, 56,000 का निकालेंगे 5%, तो कितना निकलेगा 2,800, तो 56,000 में से 2,800 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बाहर के कॉलम में, ठीक है बाहर के साइड में कितना आ जाएगा 53,200। अब आपको इस दुबत ऋण और दुबत ऋण अनामत की दूसरी असर कहाँ देनी होगी, तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, उधार पक्ष में यहाँ लिखेंगे दुबत ऋण 2,000, दुबत ऋण अनामत 2,800, दोनों को प्लस करेंगे तो बाहर के कॉलम में कितना लिख देंगे 4,800। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ नंबर में, रुपया 4,000 का फिटिंग बेकार हो गया जिसको बही में लिखना बाकी है। फिटिंग बेकार हो गया यानी एक प्रकार से क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो नुकसान हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। देखो ये हमारा लाभ हानि खाता है, उधार पक्ष में लिखेंगे फिटिंग का नुकसान खाता 4,000, और फिटिंग्स का नुकसान हुआ तो हमारे पास फर्नीचर और फिटिंग भी दिया है 10,000, वो कहाँ लिखा हमने, संपत्ति लेना में, तो उसमें से कर देंगे माइनस, फर्नीचर फिटिंग 10,000 माइनस हानि 4,000, बाहर कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो इसके बाद में हम चलेंगे अब नेक्स्ट पाँचवें नंबर में, एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान ना करने के करार में कोर्ट ने रुपया 4,000 चुकाने का दावा स्वीकृत किया है। ठीक है, ये कोर्ट का दावा है, माल नुकसान हो गया, कोर्ट ने दावा कर दिया है, तो वो हुआ हमारे लिए एक प्रकार का नुकसान, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में एक असर देंगे, लिखेंगे कोर्ट के दावा का नुकसान खाते 4,000, और दूसरी असर कहाँ लिखेंगे, दूसरी असर लिखेंगे हम लोग पूंजी दायित्व में, एक प्रकार दायित्व बना लिखेंगे, चुकाना बाकी कोर्ट का दावा 4,000। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा पांचवा हो गया समायोजन। अब लास्ट छठे नंबर का, अदद मजदूरी रुपया 2,000 मजदूरी खाते लिखा है परंतु अदद मजदूरी खाता सकल तलपट में लिखना रह गया है। तो बच्चों लोग, ये आपके 11वीं में भाग 2 का पहला चैप्टर था घोष सुधार, उस प्रकार का व्यवहार है, इसलिए इसकी सिर्फ एक ही असर देनी है। कहाँ असर देंगे, तो आपको इसकी असर देनी होगी पक्की तलपट की पूंजी दायित्व में, यहाँ लिखेंगे पक्की तलपट पूंजी दायित्व, यहाँ लिखना होगा चुकाना बाकी मजदूरी 2,000। तो इस प्रकार सारे समायोजन आपके यहाँ पर पूरे हुए।